अस्सलाम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरेट, जिसे हम पीट चैम्बर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है इसका स्लो कोई भी इंटरवेनियस हम इन्फ्यूजन दें तो उसके लिए यूज़ होता है। असल में जो वैसे हमारे पास नॉर्मल जो आईवी सेट होता है इन्फ्यूजन के लिए, उसमें उसका ड्रॉप बड़ा होता है और वो स्पीड के लिए होता है। तो हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमें स्लो देनी होती है इन्फ्यूजन में, डॉक्टर एडवाइस भी करता है, तो उसके लिए हम ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्लो जाती है, जिससे वो हमारे पास ब्यूरेट है जिसे हम पीट चैम्बर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्यूरेट है पीट चैम्बर। ये इस तरह देखने में है। पहले इसके ऊपर देख लेते हैं, चीज़ें पढ़ लेते हैं। आई वी चैम्बर ब्यूरेट सेट विद 100 ml, ठीक है, ये 100 और 150 में आता है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 60 drops per ml, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि 1 ml में इसके 60 drops हैं, इसके 60 drops, 1 ml जो 1 cc हमारे पास होता है उसके 60 drops ये आते हैं इसमें। तो इसका आपको खोल कर एक दफ़ा चेक भी करवा लेते हैं। और इस पर और इस तरह की ऐसी कोई इतनी खास चीज़ नहीं, बेसिकली यही है और तो इसमें इतना नहीं है। स्टार वॉल्यूम सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से 100 ml, बस वही। बाकी इसका वो जो मेन मकसद है कि वो कोई भी इन्फ्यूजन जो हम स्लोली हमने देनी होती है तो उसके लिए होता है। हमने इसको रिमूव कर लिया। चलिए, ये रहा हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन है 0, 10, 20, 30, 40, 50 ml, 60, 70, 80, ये 100 ml रहता है। इसमें हम कोई भी मसलन इंजेक्शन, जिस तरह आइजोकेट हो गया और डोपा डिब्यूटा हो गया, कोई भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो उसके बाद इसका इसको हम यहाँ से फिल करते हैं अपनी जो भी स्लाइन में होता है। अक्सर स्लाइन में हमारे फ्लूड जाते हैं इन्फ्यूजन में, इंजेक्शन जो भी हो, तो वो यहाँ से फिल करके इसको स्लाइन से इस चैम्बर को फिल करेंगे हम। और उसके बाद इसमें जो है क्या नाम है, इंजेक्शन ऐड करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से इंजेक्शन ऐड होगा। और उसके बाद एयर रिमूव करके हम जो है पेशेंट के साथ कैनूले में अटैच कर देंगे। अच्छा, आप जैसे कि यहाँ पे क्लोज करें, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये देखें, इसका बिल्कुल छोटा है। जो आम हमारे पास नॉर्मल आईवी सेट होता है उसको बड़ा होता है, ये पेन सीजर से ड्रॉप्स निकलते हैं वो ड्रॉप बड़ा होता है, ये हमारे पास छोटा ड्रॉप से, तो इसीलिए इसकी स्पीड भी कम होती है, यहाँ पे स्लो जाता है फ्लूइड। 1 ml, ये हमारे पास 10 ml का निशान है, ये 0 है, ये हमारे पास 1 ml बन जाता है। फिर 2, 3, 4, 5, ये दरमियान में बड़ी लाइन 5 को शो कर रही है, ये नीचे 1 है। ये 1 ml जितना लिक्विड है, फ्लूइड है, इसके 20 drops, जैसा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंशन था, यहाँ से 20 drops गिरेंगे। ये इतना स्लो फ्लूइड जाता है इसमें, तो ये बेसिकली ये डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर कोई भी, जिस तरह ये मेडिसिन मैंने नाम दिए हैं, आइजोकेट, ड्रॉपर, डिब्यूटर, मुख्तलिफ हैं बहुत सारे हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाने चाहिए। तो वो हम इस तरह स्टॉप वॉच या टाइमर जो उसमें होता है हमारा, उससे हम सेट करके और उसके बाद हम जैसे ही इसको शुरू करते हैं तो हम अपने वो टाइमर से, स्टॉप वॉच से हम नोट करते हैं, फिर उस लिमिट में हम सेट कर दें। 6 to 8 drops अगर डॉक्टर साहब कहते हैं तो वो हम सेट करते हैं उसको टाइमर से देख के कि जी हाँ जी इतने जा रहे हैं कि नहीं 1 मिनट में, तो उस हिसाब से चलता है ये हमारा। बस इसके बारे में इतना ही है, इतना और कुछ ख़ास नहीं है। आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।